गाजा पट्टी में हमास के दर्जनों कमांड सेंटरों पर इसराइल का हवाई हमला। जैतून उत्तरी राफा खान यूनुस में बमबारी। गाजा पट्टी के दक्षिण में सेंट्रल खान यूनुस में अल महाटा के पास इसराइल का हमला, कई लोग घायल, अफरा तफरी का माहौल। खान यूनुस में इसराइल के हमले में एक के परिवार के 15 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। गाजा के खान यूनुस में 1000 से ज्यादा शव मलबे में दबे, बचाव दल शवों को निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है। गाजा के अस्पतालों का बुरा हाल, सबसे बड़े अस्पताल में बिगड़े हालात, मृतकों और मरीजों से भरा है अस्पताल। लेबनान बॉर्डर पर 4 घुसपैठिए ढेर, इजरायली सेना ने 4 को मार गिराया, सीमा में घुसने की कर रहे थे कोशिश। हमास के हेडक्वार्टर पर इजरायल का हमला, एयर स्ट्राइक में हमास का कमांडर मारा गया, बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह। आईडीएफ के हमले में हमास का शूरा काउंसिल प्रमुख ओसामा माजिनी मारा गया, इसराइल पर हमले का मुख्य सूत्रधार था ओसामा। 11वें दिन गाजा पर इसराइल का बड़ा हवाई हमला, पिछले 24 घंटे में 254 लोगों की मौत, 562 लोग घायल, अब तक हमलों में 2837 लोगों की मौत हुई। अल कुद्स ने सराया से इसराइल पर दागी मिसाइल, इजरायली सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, हमले में कई सैन्य चौकियां तबाह। इसराइल के गश डैन में रॉकेट से हमला हुआ है, हमास ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे, रिहायशी इलाकों पर भी गिरे रॉकेट। सेंट्रल तेल अवीव में आयरन डोम ने हमास के रॉकेटों को नष्ट किया, शहर में बजे सायरन। हमास का टॉप लीडर ईसा अल जाबरी गिरफ्तार, आईडीएफ ने हेब्रॉन से 30 लोगों के साथ किया गिरफ्तार। केरेम शालोम के पास हमास और इजरायली सेना में झड़प, हमास के कई लड़ाके मारे गए, घुसपैठ के दौरान आमने सामने की जंग हुई। अल कसाम के प्रवक्ता अबू ओवादिया का दावा, हमारे कब्जे में है 200 बंधक, इजरायली हमले में अब तक मारे गए 22 बंधक। इसराइल ने हेब्रोन के हदासा इन करीम अस्पताल के डॉक्टर को गिरफ्तार किया, हमास का समर्थन करने का आरोप है। गाजा मिस्र बॉर्डर पर इसराइल का हमला, राफा क्रॉसिंग पर मिसाइल से अटैक हुआ, मिस्र से आ रही मदद को रोकने की कोशिश। मिस्र से गाजा के लिए मदद की खेप राफा क्रॉसिंग पहुंची है, इसराइल की इजाजत का है इंतजार। जंग के बीच कल इसराइल जाएंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन, पीएम नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात, इसराइल गाजा बॉर्डर का भी ले सकते हैं जायजा। अमेरिका के टॉप कमांडर जनरल माइकल कुरीला इसराइल पहुंचे, इसराइल की सेना के साथ बैठक करेंगे, बंधकों की रिहाई के लिए बनेगी रणनीति। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का बड़ा बयान, कहा अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। इसराइल का बड़ा बयान, कहा सब जमीनी हमले की बात कर रहे, हम अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में इजरायली सेना, आईडीएफ जवानों को दी जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग। जॉर्डन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, मोबाइल टॉर्च जलाकर इसराइल का विरोध। चीन के 2 दिन के दौरे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन, हमास इसराइल जंग के बीच पुतिन का दौरा बेहद अहम है।